Welcome back to Live Wire Transmission. I'm your host, Tarique Khan Javed. Now it's time for Tips of the Day. नाज़रीन कल की जो मार्केट थी 200 पॉइंट नीचे गई, उसके पीछे आप लोगों ने कहा था सब के सब पाकिस्तानियों ने बेचा, इंक्लूडिंग म्यूचुअल फंड, बैंक्स, कंपनीज, इंडिविजुअल्स, आप लोगों ने कोई 4.4 मिलियन के शेयर ख़रीदे, लेकिन ये कॉरपोरेट्स थे, फॉरेन कॉरपोरेट्स, जिन्होंने 15 मिलियन के शेयर ख़रीद के संभाला, अदरवाइज़ कल बहुत ज़्यादा और गिरावट हो सकती थी। अभी जो आज मार्केट खुली वो भी नेगेटिव ही खुली है, और उसके बाद एक पॉइंट पे -2 पे आई, उसके बाद से 173 माइनस पे गई और अभी 148 माइनस पे खड़ी है, 49,809 का लेवल। आज का जो लोएस्ट पॉइंट अब तक रिकॉर्ड किया गया 49,785। समहाउ पाकिस्तानीज और अभी अमीन यूसुफ साहब बता रहे थे कि इवन ओवरसीज़ पाकिस्तानीज सेलिंग मूड में है, गोरा बाई करता है तो गोरा तो जाहिर है वो लिमिटेड शेयर्स बाई करेगा जो MSCI इंडेक्स में है अराउंड 33 शेयर्स, तो बाकी जो है उसको तो सपोर्ट नहीं मिलेगा, और अगर आप लोग इसी तरह सेल करते रहेंगे तो ये मार्केट गिरती रहेगी। और वैसे 49.800 का लेवल जो है कोई बुरा लेवल नहीं है मेरी नज़र में, क्योंकि अक्टूबर 2016 में ये 40,000 की थी, और उस लिहाज से 49 पे भी अगर ये मार्केट खड़ी हो, जो मेरी प्रोजेक्शन थी, आप लोगों को याद होगा मैं बार बार कहता रहा कि 49 जून का लेवल है, 50,000 जो है जुलाई का लेवल है, तो उस लिहाज से तो मेरी प्रोजेक्शन के मुताबिक तो मार्केट बिल्कुल सही है। और आप लोगों को वो तमाम शेयर्स जो हम रिकमेंड करते रहे, जो आप लोग ख़रीदते रहे, उनको ना बेचने की ज़रूरत है ना उन पर घबराने की ज़रूरत है, दे आर सॉलिड शेयर्स एंड दे हैव नो प्रॉब्लम। गोरा ख़रीदे बेचे वो 33 शेयर, उसके अलावा आप लोगों के पास जो शेयर्स हैं उनमें कोई इशू नहीं है, इकॉनमी इज़ डूइंग फाइन, पॉलिटिकल टेंशन है, प्रोब जो चल रहा है पनामा का वो काफ़ी रोज़ाना ट्विस्ट एंड टर्न्स लेता है, और वहाँ पे थोड़े रिस्क भी हैं, बजट भी आप लोगों के फेवर में नहीं आया मार्केट के, लेकिन इस सब के बावजूद मईशत सही चल रही है, आपके सीमेंट कंपनी, स्टील कंपनीज में कोई प्रॉब्लम नहीं है डिस्पाइट द इंक्रीज इन टैक्सेस, फिर भी वो चल रही हैं। आइए क्लाइव कॉल से बात करें। वालेकुम सलाम जनाब, सर मैं, मेरा नाम असगर अली है, कराची से बात कर रहा हूँ। जी साहब, कराची से बात कर रहा हूँ सर। जी सर बोलिए। प्रोग्राम तो मैं आपका देखता रहता हूँ, लेकिन मसला ये दो तीन आइटम मैं लिए हुए वो तो बढ़ते ही नहीं है। कौन से आइटम आपके पास हैं? सर मेरे पास मीडिया टाइम है। अच्छा, देखी है पेस पाकिस्तान है, ये तो पता नहीं क्या हो गया इनको, तो पेस पाकिस्तान के अलावा क्या बताया आपने? मीडिया टाइम सर, ये तो पूरा पाकिस्तान बना हुआ था तो मीडिया उस टाइम शुरू हुआ था। जी जी, और परवेज सिक्योरिटी आपने कहा, सर आपके परवेज सिक्योरिटी से तो आप बिल्कुल निकल जाएं, ये एक जाली कंपनी है, ये 10 रुपये की आई और 100 रुपये की हो गई, उसके बाद से फिर 2 रुपये की हो गई, ऐसे ये एक सिक्योरिटी कंपनी है क्या कमा सकती है, सिक्योरिटी कंपनीज को तो अपना खर्चा निकालना मुश्किल हो रहा है। ये जो आपके पास शेयर्स हैं, दो तो हमारे ग्रुप के कंपनीज हैं, इसके बारे में मैं ज़्यादा बोल नहीं सकता हूँ। आइए लाइव कॉल से बात करें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जनाब। जी ये तारिक साहब वसीम बात कर रहा हूँ। वसीम साहब, मैंने दो चीज़ें पूछनी थी, काइंडली ये फोन ना बंद ना करिएगा बिकॉज इंटरनेट नहीं है मेरे पास, तो मैंने आपका रिस्पॉन्स तो पूछना था। IPO तो मुझे बताइएगा, ये जो ये PSX का IPO जो आया है। जी अभी इस पर हमने बड़ी तफसीली डिस्कशन की, PSX के फॉर्मर डायरेक्टर अमीन यूसुफ साहब थे, आए हुए थे, उन्होंने ये कहा कि ठीक है अर्निंग अभी बहुत कम है, 17 पैसे की है और 28 रुपये पे ये आ रहा है, उस लिहाज से मल्टीपल बहुत ज़्यादा है, लेकिन वो पॉइंट आउट कर रहे थे इंडिया के मार्केट की जहाँ के मल्टीपल इससे भी ज़्यादा है, और ये भी बता रहे थे कि नेशनल क्लियरिंग में, CDC में और जो रिसर्च इंस्टीट्यूट है इनमें पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज का अच्छा खासा शेयर है, तो उनकी कमाई भी आती है, ये सब देखते हुए करें। मगर पिछले 5-6 IPOs का जो हमने उससे जो हमने लेसन लर्न किया है वो ये है कि IPO हमेशा हाई रेट पे हो जाता है और उसके बाद वो गिर जाता है, तो
तो अभी मुझे ये लगता है कि ये 28 पे आ जाएगा, सब्सक्राइब भी हो जाएगा क्योंकि ऑलरेडी सिर्फ 25% रह गए, लेकिन ये गिरेगा, मेरा अपना ख्याल है कि 15-16 पे आ जाएगा। आई क्लाइव कॉल से बात करें। वालेकुम अस्सलाम जनाब। सर मैं यासिर बात कर रहा हूँ, उसी दिन आपके फोन की भी कट गई थी लेकिन लाइन ड्रॉप हो गई थी सर। पीआईबीटी के सिलसिले में मैंने आपसे मालूम किया था। जी जी सर, पीआईबीटीएल आई है परचेज्ड नियर अबाउट 1 लाख शेयर्स, ठीक है सर। जी जी एट द रेट ऑफ 32-31, लेकिन सर गंदे बोर्ड जो जीरो शेयर थे दीवान मोटर ट्रेडे जैसे वो सब बढ़ गए, पीआईबीटी क्यों नहीं बढ़ रहा? देखिए पीआईबीटीएल दीवान मोटर नहीं है जो रोज़ नई नई कहानियाँ छोड़ता है। कल उसने एक कहानी छोड़ी जनाब कि वो स्कानिया नाम की कंपनी है, वो ट्रक भी उसका ट्रक बेचेगा, लोगों ने लो 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 बहुत ज़बरदस्त भाई, वो एक एक, एक कार डीलर के तौर पे बेचेगा उसको, हर गाड़ी पे 5-10 हज़ार रुपये मिल जाएंगे, उससे क्या हो जाएगा। तो पीआईबीटीएल एक सॉलिड ज़मीन का नाम है और आपने 1 लाख शेयर लिया, मुबारक हो आपको, आप इसको बिल्कुल होल्ड कीजिएगा। 32 में लिया, उसके बाद राइट आया, राइट शायद 20 रुपये का आया था, इसकी वजह से इसकी वैल्यू नीचे आ गई, लेकिन अब वहाँ पे काम शुरू हो चुका है, ये आस्ते आस्ते बढ़ेगा, इंशाल्लाह 200 तक पे जाएगा। जैसे कि PICTL चला गया, कंटेनर टर्मिनल 300 कुछ पे चला गया, जब मैं आया था वो 60 रुपये का था, इसी तरह की इसकी भी प्रोजेक्शन देखता हूँ, लेकिन ये होगा सब कुछ स्लो। और दूसरी बात आपको जहन में रखना है कि ये कोई आपने मामूली काम नहीं किया है, एक बल्क टर्मिनल बनाने में आपने भी हिस्सा लिया और बन गया है और वो सॉलिड इन्वेस्टमेंट आपकी है, ये आप पूरी ज़िंदगी रखना, और जब आप जाएं तो अपने बच्चों को दे के जाएँ ये कह के कि इसको बेचना नहीं है, कि कंटिन्यूस सोर्स ऑफ इनकम होगा आपके फैमिली के लिए, ये आने वाली नस्लों के लिए, और इस पर गिरावट का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। आई क्लाइव से बात करें। वालेकुम सलाम जनाब। जी तारिक साहब वसीम बात कर रहा हूँ, अभी मैंने कॉल की थी, ड्रॉप हो गई थी। मैंने बेसिकली दो चीज़ सर पूछनी थी, एक तो ये था कि ये DSL का मैंने पूछना था आपसे, दो स्टील का, ये मैंने 1591 पे लिया था, तो कौन सा, कौन सा, फिर से कहिएगा, फिर से नाम बताइए, नाम नाम बताएं, कौन सी कंपनी आपने कहा, 1591 जी जी दो स्टील, इसमें जो है वो एक दो दिन से थोड़ा सा तेजी हुई है, तो इसकी एक तो रीजन और दूसरा इसको होल्ड करना चाहिए। सेकेंडली जो है अभी रिसेंटली 12 तारीख को जो है वो पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के शेयर्स आ रहे हैं IPO, तो क्या सर इसको अप्लाई करना चाहिए? इनफैक्ट आज से आ गए हैं और 12 तक चलते रहेंगे, मैंने इसके बारे में डिटेल में अभी जवाब दिया है, आप इसके ये सुन लीजिएगा। मेरा ख्याल है ये ओवर प्राइज्ड है। जहाँ तक दो स्टील का सवाल है जनाब, उसकी 40 एकड़ पे मोहित इसकी प्रोडक्शन ब्रांड न्यू फैक्ट्री है जो बंद पड़ी हुई थी, और बैंकों ने इस पे मेहरबानी की, आप लोगों ने मेहरबानी की, और ये इंशाल्लाह अब चलने पे आ रही है। एक 132 kV की लाइन इलेक्ट्रिक की आनी है जिसका इंतज़ार था, शायद वो आ गई है कि कल से इस पे तेज़ी आ गई, और आपने आपको मशवरा ये दूँगा कि ये आप अगर इस तरह से सोचें कि ये एक बंद कंपनी को हम सब मिल के चलाने की कोशिश कर रहे हैं, तो फिर आप 15 रुपये और 10 रुपये की बात नहीं करेंगे, एक आपके अंदर एक आप विजुलाइज़ करेंगे 400 बच्चों की नौकरी, तो आपको 15 रुपये से वो 10 रुपये का भी हो जाए तो आपको कोई दुख नहीं होगा, आप ये कह लोगे कि चलो 400 पाकिस्तानी को जॉब दिलाने में मैंने भी हाथ बटाया और मेरा 5 रुपये नुकसान हो गया, कोई बात नहीं। फौजी तो हमारी जान दे देता है, हम लोग अगर इस तरह के एफर्ट में 4-5 रुपये दे दें तो कौन सी बड़ी बात हो जाएगी, कुछ भी नहीं है जी, मगर इंशाल्लाह ये जब चलेगा तो 50-60 रुपये का हो जाएगा, घबराए नहीं। आई एक लाइव कॉल से बात करें। हेलो नाजिन, कोई कॉलर नहीं है। जैसे कि अमीन यूसुफ साहब कह रहे थे कि पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की का जो रेट है 28 रुपये का इंडीड बहुत बड़ा है, लेकिन आपको ये भी कंसीडर करना पड़ेगा कि उसके जो इन्वेस्टमेंट CDC और नेशनल क्लियरिंग में है और कोई इन्वेस्ट कोई रेटिंग एजेंसी है उसमें है, तो वो सब का की आमदनी भी आती है, वो सबको भी आपको कंसीडर करना है। और दूसरी बात ये कि अब 40% चाइनीज़ ने लिया है तो कुछ सोच समझ के लिया है, आगे चल के नए नए प्रोडक्ट वगैरह सब आएंगे तो उससे स्टॉक एक्सचेंज शायद जो अभी आपको नज़र आता है वो ना हो, काफ़ी बेहतर हो जाए। लेकिन 17 रुपये से 2.80 रुपये पर पहुँचने में बहुत वक्त लगेगा मेरी नज़र में। आइए एक लाइव कॉल से बात करें। अस्सलाम वालेकुम।
वालेकुम। वालेकुम सलाम हाजी साहब, वेलकम टू द शो साहब। सर चीनी का दाम तो आपको इल्म होगा कि 50 रुपए 50 पैसे हो गए होलसेल में जी। अब मार्केट इंटरनेशनल मार्केट में जो चीनी के रेट है वो हमारे कराची के रेट के मुताबिक 40 रुपए बनते हैं। अब हमारे मुल्क में अभी भी 40-10 रुपए चीनी महंगी है। ये रोजाना चीनी के में अप एंड डाउन चलती रहती है, सत्ता हो रहा है। अब राजसवाल सर एक और सवाल है मेरा आपसे कि ये कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री जो बंद पड़ी हुई है इनके लिए क्या हुकूमत कर रही है? 61 मिला बंद हो गई है। एक बीच में बात आई थी कि रिवाइवल की जाएगी इन इंडस्ट्रीज़ को, इनके डेट वगैरह को माफ़ करके और इंटरेस्ट वगैरह को हटा के, लेकिन कोई खातिर खा काम नहीं हुआ है। गवर्नमेंट का कोई तवज्जो इन चीज़ों पे नहीं है। गवर्नमेंट की तवज्जो बस यही है कि कहाँ से थोड़ा सा 1-2 बिलियन टैक्स ले लें। जो सिख बंद इंडस्ट्री उससे ज़ाहिर है उनको तो कुछ मिलने वाला नहीं है, ना उनके पास कोई गुंजाइश है कि इन इंडस्ट्रीज़ को खड़ा करने के लिए कोई इन्वेस्टमेंट कर सकें, कोई सपोर्ट दे सकें, तो वहाँ पे कुछ नहीं हो रहा है। चीनी के जो आपने बताया कि चीनी की कीमत कम होने में वजह यह है, एक वजह यह भी है कि ब्राज़ील की करेंसी बहुत नीचे आ गई है ड्यू टू ओवरऑल इकोनॉमिक सिचुएशन, और उसकी वजह से नीचे आ गई। यहाँ का जो शुगर माफिया है वो इसको नीचे आने नहीं देता। पहले 80 रुपये का बिक रहा था, आपने कहा है कि होल सेल में 55 का हो गया। आई वेलकम दिस न्यूज़, और मैं ये कहता हूँ कि 40 रुपये पर इम्पोर्ट करो और इसको ले आओ 40 पे। आम पाकिस्तानी थोड़ा चीनी ही खा ले के ज़िंदा रह ले। आटा भी सस्ता करो, चीनी भी सस्ता करो, दूध भी सस्ता करो, ये मेरा डिमांड है। रोज़ाना सोशल मीडिया पे बोलता हूँ, यहाँ से बोलने पे पाबंदी भी हो जाएगी तो सोशल मीडिया पे बोलता रहूँगा। नहीं होगा कोई पार्टी बनाऊँगा, कहीं ना कहीं से बोलूँगा ज़रूर कि पाकिस्तान में 25 रुपये का आटा 2 दिया जा सकता है, 17 रुपये का गंदम पूरे दुनिया में मिलता है, दूध की कीमत 22 रुपये हो चुकी है पूरी दुनिया में, मेरे गरीब बच्चों को 25 रुपये में दूध 2 दिया जा सकता है। अगर यहाँ वाले नहीं देते तो इम्पोर्ट करो, कुछ नहीं तो बेनज़ीर इनकम सपोर्ट वालों को एक कार्ड के ज़रिए से उस हर फैमिली को 10-20 किलो दूध दे दिया जाए 25 केजी के हिसाब से। इसी तरह इम्पोर्टेड आटा 25 रुपये केजी आप बेनज़ीर इनकम वालों को दे दो और लोगों को ना दो, दिया जा सकता है, हो सकता है अगर गवर्नमेंट चाहे। इसी तरह चीनी 40 के अंदर दो तो बहुत ज़्यादा गुर्बत कम हो सकती है। रमज़ान का महीना है हुक्मरानों, ज़रा सोचो, लोग रोज़ा रखते हैं बगैर सहरी के, अफ्तार के बाद भी उनके पास खाना नहीं होता, ऐसी भी फैमिलीज़ हैं। आप उसके हुक्मरान हो, इसका सज़ा आपको मिलेगा। आइए एक लाइव कॉल से बात करें। अस्सलाम वालेकुम। सलाम जनाब। सर मेरी अभी लाइन आपसे कट गई थी, PIBT का मुझे टारगेट प्राइस तो बताएं क्या करें। 200 जी सर, 200 सर कब तक, मतलब 10 साल में टाइम फ्रेम कब तक? 5 साल लग जाएगा लेकिन 200 का होगा। इन चीज़ों में टाइम लगता है जनाब, ये एक जुआ खाना नहीं है, जुआ नहीं हो रहा कि आज PIBTL 28 का है, कल 40 का हो जाए, फिर 100 का हो जाए, उसके बाद गिर के 2 रुपये का हो जाए, ऐसा नहीं होगा। जैसा कि परवेज अहमद सिक्योरिटी में हुआ, 10 रुपये का शेयर 100 रुपये का हुआ, उसके बाद 1 रुपये 40 पैसे का हो गया। आरिफ हबीब कंपनी के बारे में लोग कहते हैं, मैं नहीं था यहाँ, कि 2200 तक पे गया वो और गिरा तो 14 रुपये का हो गया। जहांगीर सिद्दीकी का शेयर 1400 रुपये पे गया और उसके बाद गिरा तो 10 रुपये का हो गया। ये होता है सट्टा, ये होता है मैनिपुलेशन। इस सब पे इन्वेस्टिगेशन होगी, जहांगीर पे ऑलरेडी हो रही है। एसगार्ड 10 रुपये का शेयर 110 का हुआ, गिर के 4 रुपये का हो गया। PIBTL में कभी ऐसा नहीं होगा क्योंकि सॉलिड उसकी ज़मीन है। पाकिस्तान इंटरनेशनल कंटेनर टर्मिनल में भी ये नहीं होगा क्योंकि उसके पास सॉलिड ज़मीन है, वहाँ पे वो कंटेनर उतार रहा है, चढ़ा रहा है। मैं आया था 60 रुपये का शेयर था, आज शायद 350 का है। तो इसी तरह PIBTL भी जाएगा, गारंटी देता हूँ। शायद मैं ना हूँ, मैं मर चुका हूँ, लेकिन 200 का आप देखेंगे ज़रूर। आई क्लाइव कॉल से बात करें। हेलो, वालेकुम सलाम जनाब। ये बताइए कि ये फौजी फर्टिलाइजर जो है ये कैसा शेयर है, रखना चाहिए या निकाल देना चाहिए?
देखिए, फर्टिलाइज़र इंडस्ट्री इन पाकिस्तान अनवायबल हो चुका है, ज़ोर ज़बरदस्ती से चला रहे हैं थ्रू टैरिफ बैरियर्स। अगर इसको आप फ्री इस पर डाल दें तो ये इंडस्ट्री बंद हो जाएगी, और उसकी वजह उनका कसूर भी थोड़ा है, ज़्यादा कसूर गवर्नमेंट का है। गैस की कीमत पूरे दुनिया में $3 की है, यहाँ आप उसको $7-8 पे बेच रहे टैक्स लगा के। तो हमारे फर्टिलाइज़र कुछ भी नहीं होता, गैस ही होता है। तो गैस की कीमत आपने इतनी महंगी कर दी, फीड स्टॉक महंगा है तो प्रोडक्शन उसकी महंगी है। यहाँ जिस रेट पे फर्टिलाइज़र बिक रहा है दुनिया में, उससे कहीं कम रेट पे बिक रहा है। तो आज अगर फ्री इंपोर्ट कर दें तो कल की सारी फैक्ट्रियाँ बंद हो जाए। तो आजकल मैं फर्टिलाइज़र से दूर रहने के लिए लोगों को कहता हूँ। हेलो, देखिए, आर्टिफिशियली आप किसी चीज़ को भी ज़ोर ज़बरदस्ती चला सकते हैं, लेकिन ज़्यादा दिन तक नहीं चला सकते, प्रॉब्लम आ जाती है। अभी अमीन यूसुफ साहब से भी पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री पे बात हो रही थी, 11% का ऑलरेडी हमने प्रोटेक्शन उसको दिया हुआ है, उसके बावजूद वो स्ट्रगल कर रहा है, और अब 15% प्रोटेक्शन की बात हो रही है, एंटी डंपिंग ड्यूटी और ये वो। लेकिन बात यह है कि अगर गल्फ़ में ये चीज़ें बहुत सस्ती मिल रही हैं तो उसको आप रोकना मुश्किल है, क्योंकि उनकी सोफिस्टिकेटेड चीज़ें होती हैं गल्फ में, बहुत सस्ती हैं। आप 11% लगाओ, 15% लगाओ, फिर भी स्मगलिंग से आ जाएगा, आप रोक नहीं सकते। कराची से लेके ग्वादर तक उतारने की बहुत जगह है, उतर जाता है माल। कोई इतना आपके पास कोस्ट गार्ड और आर्मी नहीं है कि पूरे समुंदर को रोक सके। आइए एक लाइव कॉल से बात करें। हेलो हेलो, सलाम अलैकुम। वालेकुम सलाम जनाब। जी तारिक साहब। जी जनाब, बोलें। खैरियत से हैं? अल्लाह का शुक्र जनाब। सर, PRL का और स्वी नॉर्दर्न का बता सकते हैं? स्वी नॉर्दर्न साहब 40 पे बोला था लोगों लेने के, उनको तो माला माल हो गए, लोग 160 वाला पे पहुंच गया। अब स्वी साउदर्न का देख कहता हूँ, स्वी साउदर्न अभी पकड़ लें आप, उसकी परसों बोर्ड मीटिंग थी और अकाउंट्स वगैरह भी फाइनलाइज हुए हैं। ये जो 3-4 बिलियन का लॉस है, कुछ भी नहीं है, जो इसका फ्यूचर पोटेंशियल है, जिस तरह से पाइपलाइंस बिक रही हैं, उसकी हम कमीशन में कमाएगा, इसका फ्यूचर बहुत बड़ा है। PRL रिक्वेस्ट करता हूँ कि ले लें और लेके बैठ जाएं, ये बहुत जल्द 100 रुपये का होगा। इस पर जो रुकावट आ गई थी थोड़ी सी, ये ओनरशिप लालच, ये 3 कंपनियाँ लड़ रही थी कि PRL पे हम कब्ज़ा करेंगे, PRL पे हम कब्ज़ा करेंगे। एक तरफ शेल था, एक तरफ हस्कॉल था, एक तरफ PSO था, तो इन आपस में लड़ पड़े, कोर्ट तक चले गए, उसके वजह से रुकावट आई थी, वो ख़त्म हो गई है। अब ये एक्सपेंशन शुरू होगा और बहुत जल्द कंप्लीट होगा, और उसके बाद ये शेयर बहुत तेज़ी से ऊपर जाएगा। अगर नेशनल 500-600 का हो सकता है तो ये 100 रुपये का क्यों नहीं होगा जनाब। आई क्लाइव कॉल से बात करें। हेलो, नाजिर कोई कॉलर नहीं है। मार्केट अगर इसी तरह से लैक ऑफ इंटरेस्ट आप लोगों का रहा तो ये गिरते गिरते लगता है 49 पे आ जाएगी। I will be still satisfied. लेकिन एक तरफ से आप लोग की सेलिंग है और दूसरी तरफ से गोरो की बाइंग आई, दोनों मिल के वो बराबर हो जाएंगे और मार्केट जो है इसी तरह 49 वाला पे शायद सेटल हो जाए। अगर आप लोग का कंटिन्यूस इसी तरह से एपाथी रहा आपके, बिल्कुल आप इनको नज़रअंदाज करेंगे। और जैसा कि अभी भी बात हो रही है कि अभी भी जो अच्छे अच्छे शेयर्स हैं वो तो सस्ते ही हैं, अभी भी लेने के लायक हैं। आप अभी भी आप रोशन पैकेज को ले लें, अभी भी सिंथेटिक प्रोडक्ट को ले लें, लोड्स के ले लें, सबका कारोबार बहुत अच्छा है। ये कारोबार आगे, ये इनको कोई प्रॉब्लम नहीं है। तमाम सीमेंट कंपनीज में ठीक है, सीमेंट का टैक्स बढ़ गया, स्टील का रेट बढ़ गया, तो क्या आपके ख्याल में लोग कंजम्पशन ख़त्म कर देंगे? नहीं, ये टैक्स ये पास ऑन कर देंगे अपने टैक्सेस को आगे, पब्लिक खरीदेगी फिर भी स्टील। ऑलरेडी स्टील बहुत महंगा ख़रीद रही है पब्लिक, स्टील की कीमत तो दुनिया में बहुत सस्ती हो चुकी है, यहाँ बहुत महंगी बिक रही है, लेकिन ख़रीद रहे, मजबूर हैं, क्या करें, घर तो बनाना है। इसी तरह सीमेंट यहाँ बहुत महंगा बिक रहा है ऑलरेडी, पहले से टैक्स लगने से पहले से ऑलमोस्ट डबल पे, लेकिन मजबूर है, क्या करें। ये 20 करोड़ मजलूम आवाम है और जिसके हुक्मरान चोर हैं, और वो कहते हैं कि लूटो इनको, लूट के हमें भी थोड़ा सा हिस्सा दे दो, पनामा में अकाउंट में जमा कर लें, तो आप लूटने की आपको पूरी इजाज़त है। गैस वाला भी लूट रहा है यहाँ पे, पेट्रोल वाला भी लूट रहा है यहाँ पे, इलेक्ट्रिसिटी वाला भी लूट रहा है, चावल ये दूध वाला भी लूट रहा है, आटे वाला भी लूट रहा है, ये स्टील वाला भी लूट रहा है, और सीमेंट वाला भी लूट रहा है, सब लूट रहे हैं, लूट रहा है 20 करोड़ आवाम जो आस्ते आस्ते पिस रही है।
हुक्मरान इंजॉय कर रहा है, सबसे ले रहा है कमीशन। सबको पता है कि गंदम की कीमत दुनिया में 17 रुपये है, यहाँ 50 रुपये का आटा बिके जा रहा है, कोई रोकने वाला नहीं है। रमज़ान में भी किसी को ख्याल नहीं आ रहा है कि ऐसी ऐसी फैमिली है जहाँ चूल्हा ही नहीं जल रहा है। आई क्लाइव कॉल से बात करें। सर टीवी का साउंड बंद कर दें, उसके बाद आप बात करें प्लीज। हेलो जी जनाब। हाँ जी तारिक साहब। जी सर टीवी की आवाज। मैंने आपसे पूछा था जी। हाँ जी मैं बंद कर रहा हूँ जी, प्लीज टीवी की आवाज बंद कर दें, मेरी आवाज वहां से आ रही जी साहब। मैंने आपसे पूछा था कि वो फौजी फर्टिलाइजर के लिए। जी जी, तो मैंने आपको घुमा फिरा के जवाब दे दिया कि सेक्टर को पसंद नहीं कर रहा हूँ आजकल। तो हो गया था, सेक्टर को पसंद नहीं कर रहा हूँ, उसकी वजह बताई मैंने आपको बहुत तफसील से। ये सेक्टर वायबल नहीं है इस वक्त, गवर्नमेंट टैक्स कम कर रही है जिसकी वजह से सेल है, लेकिन अभी भी प्रोटेक्शन बहुत बड़ा है और बहुत इसको कंफर्टेबल फील नहीं करता। मार्केट में जनाब 200 से ज़्यादा पॉइंट की कमी हो गई है, और इसी तरह आप लोगों की अगर इंडिफरेंस रहेगी तो ये मज़ीद गिरेगी और ये 49 के तरफ जाता हुआ नज़र आ रहा है। आइए एक लाइव कॉल से बात करें। जी अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम जनाब। जी मैं असलम अर्ज कर रहा हूँ, हैदराबाद से। ठीक ठाक है सर। असलम फ्रॉम हैदराबाद, वेलकम टू शो सर। बिल्कुल ठीक हुआ, अल्लाह का शुक्र साहब। जी जी अल्लाह खुश रखे। सर ये मैंने पूछना है लोन्स के बारे में, जैसे ये साजगार जी ने काफी बढ़ गया माशाल्लाह, उसके बारे में आपकी क्या राय है? माशाल्लाह सर आप खुद ही देखते हैं, आपके सामने है साजगार की रिक्शे हर तरफ भागते हुए नजर आते हैं आपको, तो क्यों ना बढ़े वो। और इसी तरह लोड्स का रेडिएटर और वो क्या बनाता है और साइलेंसर हर तरफ बिक रहा है, गाड़ियाँ बन रही हैं, मोटरसाइकिल बन रही हैं, रिक्शे बन रहे हैं, बे इंतहा बन रहे हैं, तो इनका कारोबार ख़राब कैसे होगा जी? इसी तरह सिंथेटिक वाला बॉनेट शोनेट बना रहा है तो वो ख़राब कैसे हो जाएगा, अच्छा चलेगा। आप लोग अपने इन कंपनीज पे पुख्ता ईमान रखें और बैठे रहें, इंशाल्लाह आपको बरकत मिलती रहेगी। नाज़रीन इस सेगमेंट से आपसे जाना चाहता हूँ, अगले सेगमेंट में हम आईटी पे बात करेंगे।